तारीख 13 अक्टूबर शाम करीब 4 बजे, एक तरफ देश जहां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में व्यस्त था, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का बहराइच जल रहा था। 13 अक्टूबर को बहराइच के महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान दो समुदाय में जबरदस्त हंगामा हुआ। डीजे को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि बात गोलीबारी तक पहुंच गई। हिंसा में एक 22 साल के युवक की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। मृत युवक की पहचान रामगोपाल मिश्रा के रूप में हुई। बहरहाल ये कहानी का एक पहलू है। इस वीडियो में हम आपको कहानी का दूसरा पहलू भी बताते हैं। पहले जानिए विवाद की शुरुआत कैसे हुई। बहराइच में महसी तहसील के महाराजगंज कस्बे में रविवार को दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए एक जुलूस निकाला गया था। यात्रा महाराजगंज होते हुए घाट की तरफ जा रही थी। घाट से करीब 3 किलोमीटर पहले एक समुदाय के लोगों ने धार्मिक स्थान के सामने तेज आवाज में डीजे बजाने पर आपत्ति जताई और इसी को लेकर बहस शुरू हो गई। बहस ने तब हिंसक रूप लिया जब 22 साल के रामगोपाल मिश्रा नामक युवक की मौत हो गई। महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेके तकरार हुए, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। अब जानिए असल मामला। बहराइच हिंसा मामले की चर्चा में आने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स है जो एक घर की छत पर चढ़ा हुआ है। ये शख्स और कोई नहीं, हिंसा में मौत का शिकार हुआ रामगोपाल मिश्रा है। वीडियो में एक घर है जिस पर हरे रंग का झंडा फहरा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि छत पर चढ़े रामगोपाल मिश्रा ने पूरा जोर लगाकर छत पर लहरा रहे हरे झंडे को उतारा और उसकी जगह भगवा झंडा फहरा दिया। इस दौरान छत की रेलिंग तक टूट गई और इसी से शुरू हुई असल हिंसा। छत से हरा झंडा हटाने की कथित कोशिश के बाद तनाव फैला, घर से फायरिंग हुई और फिर पथराव शुरू हुआ। इसी पथराव में मूर्ति टूट गई और फिर क्या था, विवाद चरम पर पहुंच गया। भीड़ भड़की, जमकर तोड़फोड़ की गई। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी होने लगी। चुन चुन कर दुकानों को निशाना बनाया गया। पुलिस ने किसी तरह भीड़ को काबू किया और भीड़ को शहर से दूर किया। जो महाराजगंज में घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, उसमें 30 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है। उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है जो कि भाग गया है, उसकी भी लोकेशन ट्रेस हो गई है। उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दिया गया। आपको बता दें कि 13 अक्टूबर को शुरू हुआ ये विवाद अभी भी जारी है। पुलिस ने मामले में सलमान नाम के युवक को नामजद किया है। कई और लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने दंगाइयों से सख्ती से निपटने के निर्देश भी दिए हैं, साथ ही ताजा हालात पर रिपोर्ट भी मांगी है। अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। महसी महाराजगंज आदि इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है ताकि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को भड़काया ना जा सके।